तीन साल बाद हुआ पाकिस्तान टीम में इस खिलाड़ी का एंट्री। दोस्तों एंट्री देख रफरीदी और बाबर आजम भी हैरान, तो क्या खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिना समय लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों आप सबकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, पाकिस्तान टीम वैसे तो दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, लगातार नए खिलाड़ी यंगस्टर खिलाड़ी आकर पाकिस्तान टीम को आगे लेकर जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच पाकिस्तान का एक पूर्व खिलाड़ी जो कि दोस्तों अब एक बार फिर से पाकिस्तान टीम से जुड़ चुके हैं और आपको लगातार खेलते हुए भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद आसिफ की। मोहम्मद आसिफ को लेकर दोस्तों कई सारी खबरें चली, कई सारी बातें चली कि अब खिलाड़ी शायद ही पाकिस्तान खेलते हुए दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। मोहम्मद आसिफ को दोस्तों बाबर आजम ने और शाहिन शाह अफरीदी दोनों ने मिलकर दोस्तों अपने टीम में बुलवाया है। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद मोहम्मद आसिफ आपको पाकिस्तान टीम में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं जो पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के साथ दौरा होने वाला है फरवरी में, उस मुकाबले में शायद आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों उसी मैच में शायद आपको कोई और भी खिलाड़ी नजर आ सकता है जो कि काफी ज्यादा पुराना है, जिनका नाम है दोस्तों मोहम्मद आमिर। दोस्तों मोहम्मद आमिर की भी बात करें तो करीब 4 साल पुराना खिलाड़ी है और 4 साल से कोई भी मैच अभी तक वह नहीं खेले इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान टीम में उनका लफड़ा हो गया था कप्तान से, जिसके कारण उन्होंने दोस्तों संन्यास ले लिया था, पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ दिया था। तो दोस्तों कुछ ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान टीम एंट्री कर रहे हैं जिनका कुछ दिन से विवाद चल रहा था, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम के लिए और उनके फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहें, क्या इन खिलाड़ियों को खेलना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।